दोस्तों, जिस फिल्म के अंदर दो या दो से ज्यादा हीरो हो, उस फिल्म को देखने का मजा ही कुछ और होता है। और डबल हीरो वाली फिल्में कमाई भी ज्यादा करती हैं। तो ऐसे में हम आज बात करने वाले हैं फिल्म में दो हीरो या उससे ज्यादा एक्टर्स की आने वाली नई फिल्मों के बारे में, जो आने वाले वक्त में रिलीज होने वाली हैं। ऐसे में वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना, ताकि आपकी कोई भी फिल्म ना छूटे। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि ऐसी ही आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो नंबर 10 पर आती है रामायणा। रामायणा एक ड्रामा हिस्टोरिकल मूवी होने वाली है। डायरेक्टर नीतीश तिवारी इस मूवी को बनाएंगे। नीतीश तिवारी अब से पहले दंगल जैसी सुपर डुपर फिल्म दे चुके हैं। रामायणा फिल्म में ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण, रणबीर कपूर लीड रोल में रहने वाले हैं। खबरों से ये भी पता चला है कि ऋतिक रोशन और रणबीर कपूर को इस फिल्म के लिए 75-75 करोड़ का ऑफर दिया गया है। इस मूवी को 3 पार्ट में बनाया जाएगा। इस फिल्म का बजट लगभग 800 करोड़ रहने वाला है। इस मूवी का पहला पार्ट हमको 2024 में दिवाली पर देखने को मिलने वाला है। नंबर 9 पर आती है KGF 3। ये मूवी काफ़ी एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है। इसको डायरेक्ट करने वाले हैं प्रशांत नील, जिन्होंने KGF और KGF 2 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर पहले ही दे रखी है, जिन्हें पब्लिक ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था। KGF 3 में लीड रोल में रॉकिंग स्टार यश और श्रीनिधि शेट्टी ही दिखाई देने वाले हैं। और विलेन के रूप में इस बार अधीरा नहीं बल्कि ऋतिक रोशन दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि KGF 3 के डायरेक्टर ऋतिक रोशन को इस मूवी के लिए अप्रोच कर रहे हैं। अगर ऋतिक रोशन इस फिल्म के लिए हाँ कर देते हैं, तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा देगी। बात करें रिलीज की, तो ये फिल्म आपको 2024 के अंत या 2025 की शुरुआत में देखने को मिलने वाली है। क्या बात है सर, क्या? नंबर 8 पर आती है वॉर 2। ये मूवी 2019 में आई वॉर का सीक्वल है। इस फिल्म को अयान मुखर्जी बनाने वाले हैं। इस फिल्म में ऋतिक रोशन तो होंगे ही, लेकिन इस बार वॉर 2 में साउथ के सुपरस्टार जूनियर NTR भी देखने को मिलने वाले हैं। इस फिल्म को देखने में बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। बात करें रिलीज डेट की, तो मूवी 2024 के एंड तक देखने को मिल जाएगी। नंबर 7 पर आती है लियो। लियो मूवी इस साल की साउथ की तरफ से आने वाली एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है। लियो के रोल में विजय थलापति नजर आएंगे और लियो को टक्कर देने इस फिल्म में आ रहे हैं संजय दत्त। इसके रिलीज डेट की बात करें, तो ये फिल्म आपको 19 अक्टूबर 2023 को सिनेमा हॉल में देखने को मिलने वाली है। नंबर 6 पर आती है एनिमल। एनिमल बॉलीवुड की तरफ से आने वाली एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म को संदीप रेड्डी डायरेक्ट करेंगे, जो पहले कबीर सिंह जैसी हिट मूवी दे चुके हैं। संदीप रेड्डी ने यहाँ तक भी कहा है कि एनिमल फिल्म में ऐसा कुछ देखने वाले हो जो अब तक आपने बॉलीवुड में कभी नहीं देखा होगा। ये सुनकर फिल्म को देखने के लिए पब्लिक और ज़्यादा एक्साइटेड हो गई है। इस फिल्म में रणबीर कपूर, अनिल कपूर, बॉबी देओल, रश्मिका मंडाना, परिणीति चोपड़ा लीड रोल में रहने वाले हैं। इस फिल्म में बॉबी देओल नेगेटिव रोल में दिखाई देने वाले हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये फिल्म 11 अगस्त 2023 को ही रिलीज होने वाली है। नंबर 5 पर आती है पुष्पा द रूल, यानी पुष्पा 2। पुष्पा 2 मूवी 2021 में आई ब्लॉकबस्टर पुष्पा का सीक्वल है। पुष्पा 2 को इस बार काफी बड़े लेवल पर बनाया जा रहा है। जितना 2021 में पुष्पा मूवी ने कमाई की थी, उतना पुष्पा 2 का बजट है, यानी कि लगभग 300 करोड़। पुष्पा 2 में अल्लू अर्जुन के साथ रश्मिका मंडाना ही नजर आने वाली है। इस फिल्म में विलेन के रोल में विजय सेतुपति या फिर अक्षय कुमार दिखाई दे सकते हैं। ये फिल्म 2024 के स्टार्टिंग में हमें देखने को मिल जाएगी। नंबर 4 पर आती है बड़े मियाँ छोटे मियाँ। बड़े मियाँ छोटे मियाँ भी इस साल की बड़ी एक्शन ड्रामा कॉमेडी फिल्म होने वाली है, जिसका बजट है लगभग 300 करोड़ के आसपास। इस फिल्म में दो एक्शन हीरो रहने वाले हैं, अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ, जो कि फिल्म 25 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में आने की संभावना है। नंबर 3 पर आती है टाइगर 3। टाइगर 3 इस साल की आने वाली काफ़ी बड़ी फिल्म होने वाली है। टाइगर 3 बॉलीवुड की वो फिल्म होने वाली है जिससे सलमान खान तगड़ा कमबैक करने वाले हैं। इस फिल्म में लीड रोल में इस बार सलमान और कैटरीना के साथ साथ इमरान हाशमी भी नजर आने वाले हैं, लेकिन इमरान हाशमी का रोल नेगेटिव रहने वाला है। ये फिल्म सिनेमाघरों में 10 नवंबर 2023 को आने वाली है। नंबर 2 पर आती है आदि पुरुष। आदि पुरुष इस साल की बेहतरीन हिस्टोरिकल फिल्म होने वाली है। ये मूवी इस साल की सबसे बड़ी बजट वाली फिल्म होने वाली है। इस फिल्म का बजट लगभग 500 करोड़ से ज़्यादा है। इस फिल्म को ओम रावत डायरेक्ट कर रहे हैं, जो ओम रावत ने पहले तानाजी जैसी फिल्म भी डायरेक्ट कर चुके हैं। और ये फिल्म 16 जून 2023 को सिनेमाघरों में देखने को मिलने वाली है। नंबर 1 पर आती है जवान। जवान शाहरुख खान की आने वाली मास थ्रिलर फिल्म होने वाली है। इस फिल्म में लीड रोल में शाहरुख खान के साथ इस बार नयनतारा नजर आने वाली हैं और मिलन के रूप में साउथ के स्टार विजय सेतुपति नजर आने वाले हैं। खबरों के हिसाब से इस फिल्म में थालापति विजय या फिर अल्लू अर्जुन का कैमियो भी देखने को मिल सकता है। बात करें रिलीज डेट की, तो ये फिल्म जून 2023 में देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, ये रही वो 10 फिल्में जिनमें आपको डबल रोल या फिर ट्रिपल हीरो देखने को मिलने वाले हैं। आपको कौन सी मूवी का इंतजार है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।